उनके घर इस तरह बीता ना तो पता चलता कि किस तरह वही ना तब पता चलता है माता पिता। और जो भोजपुरी में कैसन कैसन आवाज बोलते हैं, हिंदी में बोली ना तब आपको बताते हम तो जानती ना काम का देखती बेलन में मुँह में ऐसा हुर दे ना कि तोरा समझ में आ जाए। तो अपने माई बाप का भाई बहुत ना बोली तो हमारे भी रे। आपका माता पिता कैसे हैं? अच्छे से रखे हैं आपको? अच्छे से आपके अच्छे अच्छे से आपके साथ व्यवहार करते हैं तब ना आप अच्छे से मानते हैं उनको हैं? आपको बोल रहे हैं निशा भाभी बार बार बोल रहे हैं माता पिता पे मत जाइए ठीक है हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज देखिए लड़ाई झगड़ा होती है तो चलिए हम समझ गए कि लड़ाई झगड़ा होते हैं ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के माँ बाप पे क्यों जाते हैं हमको तो ये समझ में नहीं आते हैं दोस्तों। अभी आरती जी के माँ बाप क्या था, वो लोग क्या किए हैं कोई नहीं जानता है ठीक है। बट आरती जो सच्चाई का साथ दिए हैं, न्याय दिलाए हैं, तो मतलब आरती जी गलत हो गई है। निशा भाभी जो है और उसके बाद उनके पति रंजय भाई जो है, ये जो उटकते हैं बार बार कि अपनी माई का नहीं हुआ तो किसका होगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि ठीक है लड़ाई हमसे हैं, आरती से हैं, किससे हैं तो हमको पता नहीं है, बट इनके माता पिता पे क्यों जाते हैं वो हैं? आपको बोल रहे हैं निशा भाभी बार बार बोल रहे हैं माता पिता पे मत जाइए ठीक है हैं? आपका माता पिता कैसे हैं? अच्छे से रखे हैं आपको? अच्छे से आपके अच्छे अच्छे से आपके साथ व्यवहार करते हैं तब ना आप अच्छे से मानते हैं उनको हैं? अगर आपके साथ गलत सलत कर देगा माँ बाप तो क्या करोगी आप, क्या करोगी? तो उसी तरह समझिए आरती के साथ भी उनके माँ बाप गलत किए हैं तो अभी गलत का परिणाम भोग रहे हैं। तो बार बार क्यों बोलते हैं आप लोग हैं? बार बार क्यों बोलते हैं कि अपनी माँ बाप का नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, मेरी क्या होगी? इसमें ये कौन सा बात आ गया है? देखिए इस बात से हमें बहुत चोट आई है ठीक है, बार बार हम समझा रहे हैं ऐसा बात मत बोलिए। अभी देखिए दोस्तों ये किस तरह बोल रही है, देखिए आप लोग गौर से देखिए। तो जानती ना काम का देखती बेलन में मुँह में ऐसा हुर दे ना कि तोरा समझ में आ जाए। तो अपने माई बाप का भाई बहुत ना बोली तो हमारे वही भी रे करे आरतिया कुछ का हाल ना था दंत तो न जा। तो दोस्तों अभी तो आप लोग देख ही लिए कि ये किस तरह बोल रही है, जो कि अभी तक आरती जी एक भी गाली नहीं दिए हैं लेकिन वो गाली से घिना दिए हैं है? सोचने वाली बात है, पता नहीं उनके भोजपुरी भाषा में क्या है ना है, मतलब कैसन कैसन बोलती है, छिहोरी मिहोरी क्या क्या बोलती है पता नहीं, ये सब गाली दे करके घिना दिए न आरती जी है। इस बात पे जो है आरती जी हमको बोल रही थी और रो भी रही थी कि देखिए मेरी माता पिता के बारे में क्यों बोलते हैं, जो जैसा किया है अपने जगह वैसा वो कर भोग रहा है फिर है? यही सब समझ में नहीं आता है दोस्तों, बार बार अपने इनका माता पिता के बारे में बोल देते हैं। एक वीडियो में नहीं कई वीडियो में बोले हैं, शॉर्ट में लॉन्ग वीडियो में सब में बोले हैं। बोलने वाले है? बोलते रह जाएंगे, आप लोग बोलिए जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। नहीं नहीं आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ है, ऐसे बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है लेकिन गुस्सा आता है लेकिन नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं वो ठीक है, आप लोगों को कुछ समझ में आता है, कोई भी आज तक चाहे बच्चे रे चाहे मार है तो इस तरह का हुआ है, बट माता पिता का ही बच्चे सीखते हैं ठीक है। वो जिस तरह किया ये भी किए, मैटर खत्म, फिर बार बार क्यों लाते हैं है? फिर यही बात, अगर आरती अपने प्यार को छोड़ देते, अपने माता पिता के साथ हो जाते फिर लड़की बदनाम होते, आज अपने प्यार का साथ दिए वही फिर भी लड़की बदनाम, मतलब कि लड़की कहीं का नहीं है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, सबका हक है दोस्तों, ऐसा बात नहीं है, सबको अपना हक लड़ने का, क्या यार पता नहीं। मेन बात क्या है दोस्तों, उनके साथ इस तरह का घटना नहीं हुआ है, घटना नहीं हुआ, उनके घर इस तरह बीता ना तो पता चलता कि किस तरह, वही ना तब पता चलता है माता पिता। और जो भोजपुरी में कैसन कैसन आवाज बोलते हैं, हिंदी में बोल आवाज, इसलिए हम उतना ज्यादा लिखला नहीं दे रहे, अगर जो भोजपुरी में तो क्या बोलते हैं, छिहोरी मोहरी छिहोरी पता नहीं क्या क्या बोलते, उनका हम अर्थ भी नहीं समझते, ऐसे ऐसे समझ भी नहीं पाते कि क्या बोल रहे हैं,
उनका हस्बैंड भी, उनका हस्बैंड का तो और आवाज़ समझ नहीं पाते हैं क्या बोलते नहीं बोलते हैं। मैं हम लोग का भाषा में बोलिए तब दिखाते हैं आपको कुंची है। इतना भी कमजोर किसी को समझ के मत इतना गाली गलौज स्टार्ट कर दीजिए। चलिए सब बात ठीक है, ठीक है, लड़ाई लड़ाई है तो लड़ाई वाला बात कीजिए, बट माता पिता पे मत जाए किसी का। और मेरी मम्मी सब बोल रही थी सब क्या चल रहा है, तो भाई हम उनको बोले कि कुछ नहीं, क्योंकि काहे के लिए बताएंगे, माता पिता को टेंशन हो जाएंगे, है ना, छोट मोट बात बताया नहीं जाता है। हम बात को चपत दिए, लेकिन तब पर भी हम सोच रहे हैं कि वीडियो बनाना बंद कर देंगे, वो लोग तो बंद ही नहीं कर रहे हैं, वीडियो पर वीडियो बना ही जा रहे हैं, हैं। थोड़ा सा भी शर्म कीजिए यार, किसी का माता पिता का नाम लेते हो या उस तरह का आरती की है, थोड़ा सा तो ही शर्म कीजिए। इनके साथ जैसे किए हैं वैसे वो लोग, देखिए आप कहावत में है कि भगवान के बिना जो है ना गाछ में जो पत्ते लगे होते हैं ना, उनके मर्जी के बिना पत्ता हिल भी नहीं सकता है, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। तो उसी तरह से शायद नहीं जानते हम, वही ना, उसी तरह से भगवान के मर्जी के बगैर वो लोग नहीं जाते, गलत किया तब ना वो लोग गया, और अपना अभी जो भी गलत काम किया वो सजा भुगत रहा है, ये समझते हैं। यानी सबको मतलब सिर्फ उनके माता पिता के बारे में फिक्र है आरती जी के। आप जानते हैं क्या वो लोग बोल रहा है, हैं कि जब यहाँ नहीं हुआ सजा हो गया है ना तो पटना को कोर्ट को खरीद लेंगे 50 लाख रुपए दे करके निकाल। देखिए अभी भी ऐसा नहीं किया है उन लोग को, हैं, अब फिर भी आप लोग हम ही को दोष देते हैं, हमारा क्या कुछ का दोष है, इतना बड़ा गलती किया है, वो आदोषी है, वो आदोषी दूसरे को बना रहे हैं, शर्म लगना चाहिए बोलने में। अरे वही ना पापा जी, अभी भी थोड़ा समझिए, अभी भी उनको अकर है, भाई गलती किया है तो गलती मान लेना चाहिए ना। नहीं हम कोर्ट को यहाँ पे भी बोलते थे कोर्ट को खरीद लिए हैं, अब बोलते हैं हम पटना को खरीद लिए हैं 50 लाख में। भाई हम लोग के पास पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक होगा वहाँ तक तो लड़ेंगे ही, और देखते हैं कैसे होता है, ठीक है ना। हमारे पास पूरा सबूत है, वीडियो है, कहाँ क्या हुआ कैसे हुआ है। अब फिर आप लोग मतलब ना एक अंधे की तरह मतलब हो गया ना बात, यानी कि पूरा दुनिया में सब लोग अंधे है, आप लोग के सामने वीडियो में देखे क्या हुआ नहीं हुआ सब देखे, और तब पर भी बोलते हैं कि आरती गलत है, आरती अपने माँ बाप को फंसा दिया है, हैं? आपका माँ बाप करते है ऐसा तो क्या करते, छोट मोट बात रहता तो कोई बात नहीं दोस्तों, छोट मोट बात कोई भी अपने माँ बाप को कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये कितना बड़ी बात था, हैं? आपका बच्चा को अगर कोई मार दे तो आप क्या करोगे, हाथ पे हाथ धके बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, हैं? आरती को भी कौन भेजा है, भगवान ने भेजा है यहाँ पे नियत दिलाने के लिए, क्यों, जे हम लोग सच्चाई भी देते हैं ना, हैं? सोचते हैं थोड़ा सा, ऐसे ऐसे अभी मर्डर जो इतना हुआ है सब ऐसे पड़ा है, पेंडिंग में पड़ा है, हम लोग सच्चाई पे हैं तब जाके हम लोगों को न्याय मिला है, ठीक है। और ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हम ही लोग किए हैं, बस आप लोग का सपोर्ट रहा तब किए हैं, भले अभी आप लोग कुछ से कुछ बोलते हैं लेकिन आप लोग का सपोर्ट सब दिन से है, वो कुछ है लोग जो है कि मतलब अनसन बोलते रहते हैं, ठीक है ना, बट उतना हम ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन रंजय भाई और निशा भाभी जो कि इज्जत से ही बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो जो इतना गलत सलत बोलते हैं उनको नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई हमसे हैं, लड़ाई इनसे हैं, इनसे लड़ो, इनके माता पिता पे मत जाओ, अगर हम ही लोग आपके माता पिता पे जाएं तो कितना लगेगा अंदर में, समझ लीजिए उसी तरह, भले वो लोग गलती किए हैं इनका माता पिता, बट फिर भी तो दिल में दया है, ऐसा थोड़ी कि नहीं है। क्या यार, पता नहीं किस तरह का इंसान हो आप लोग, थोड़ा सा भी नहीं समझते हो और दूसरे के बारे में कुछ से कुछ बात उठाने लगते हो। आरती जी इतना ज़्यादा मतलब टेंशन हो भी ना रात में दोस्तों, जब वीडियो उनका देखे, इनको हम बार बार समझाते हैं किसी का वीडियो मत देखा करो, लेकिन तब पर भी हैं देख लेते हैं। चलिए खैर कोई नहीं, अगर हम गलती बोले होंगे तो हमें क्षमा कर दीजिए, ठीक है, बाकी वीडियो को यही एंड कर देते हैं दोस्तों।